किसकी जिंदगी में दुख और दर्द नहीं होता, कौन हर वक्त खुश रहता है। मेरे दोस्त, आज तुम जिस हालात में वो सही है। आज कोई मरा है या फिर कल कोई मरेगा, वो भी सही है। भगवान जो भी करता है सही करता है। कई लोग कहते हैं, भगवान आपको मुझसे क्या दुश्मनी है, आखिर इतना दुख और दर्द मुझे ही क्यों, जबकि मैं आपकी भक्ति करता हूं। अरे, रेस में दौड़ने वाले घोड़े को भी उसका मालिक बहुत मारता है, उस घोड़े को जीतने के लिए। तो भगवान तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं, जबकि अपनी जिंदगी में जीतने के लिए आए। ये जिंदगी जीरो काटते तो बहुत लोग हैं, आज तुम्हें अगर दुख दर्द है तो इसका हल क्या है ये तुम निकालो। भगवान सिर्फ रास्ता दिखा सकता है, चलना तुमको है, और वो रास्ता तुम्हारा दुख और दर्द है। अगर आज तुम खुद को खुद में कोसते रहो तो तुम वो नहीं कर पाओगे जो भगवान चाहता था, जिसके लिए तुम भक्ति करते थे वो भगवान भी छोड़ देगा जिसकी भक्ति करते हो, क्योंकि तुम अपने हालातों से निकलना नहीं चाहते। जिंदगी की सबसे बड़ी नाकामयाब चीज आलस, निंद्रा, डर, क्रोध और जलन है। जिंदगी में तब तक दुख और दर्द रहता है जब तक तुम अपनी जिंदगी का असली मकसद नहीं जान लेते। दुख और दर्द में हंसने वाला और इसे छिपाने वाला ही सफल है। जिंदगी में बहुत लोग रोते हैं, क्या सिर्फ रोने से होता है? कहते हैं कि दूसरे के हालातों में हंसना मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर जब खुद की बारी आती है तो आंसू भरते हो। क्यों? एक बार अपनी हालातों पे हंस के देखो, तब तुम्हें समझ आएगा कि हालात क्या होता है। हालात सिर्फ बुरा ही नहीं होता, अच्छा भी होता है। पर अच्छा बातें और अच्छे लोगों को कोई याद नहीं रखता, बुरे बातें और बुरे लोग को हर कोई याद रखता है। इसीलिए अपनी जिंदगी में जो भी कुछ करो सेल्फ डिपेंडेंट करो। सोचो तुम अपनी जिंदगी को बनाना क्या चाहते हो, क्या इसी दुख और दर्द को झेलकर फिर से उस माहौल में पल जाना, क्या यही तुम्हारी कामयाबी? नहीं, तुम अगर निकले हो तो अपने सपने को लेकर जाओ। सिर्फ सोचने से नहीं होता मेरे दोस्त, कुछ करने से। तुम करोड़ों की सोचते हो, पर आज 2 रुपये भी तो कर लो। तुम समझदार हो, समझ सकते।